हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे पास है ओप्पो के 12X 5G मोबाइल फ़ोन, और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी यही मोबाइल फ़ोन है और आप अपने इस मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आप लोग को इसकी जो सेटिंग होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और यहाँ पर जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है उसे सेट करके यहाँ पर यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। सो आपको इसे सेट करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन की जो सेटिंग होती है उसे ओपन करना होगा। आप जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से फ़ोन की सेटिंग मिलेगी। तो यहीं पर आपको थोड़ा नीचे एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो आपको ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे, तो यहीं पर आपको एक डिवाइस अनलॉक का ऑप्शन होगा, देखिए कुछ इस तरीके का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। आप जैसे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पैटर्न या फिर नंबर जो भी सिलेक्ट करना है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैटर्न या फिर नंबर का एक स्क्रीन लॉक और देना होगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो भी पैटर्न सेट करना है उस पैटर्न को देना है कुछ इस तरीके से। पैटर्न को देने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी जो पावर बटन होती है वहाँ पर आपको आपका जो भी फिंगर आपको सेट करना है उस फिंगर को स्कैन कराना है। आपको स्कैन कराते टाइम फिंगर को हर तरफ से स्कैन कराना है जब तक कि यहाँ पर नीचे डन का बटन शो ना हो। जैसे डन का बटन शो होगा आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते ही यहाँ पर कैंसिल वाली बटन पे सिंपली से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपके फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो सेट हो जाएगा, और अब आपके फ़ोन को यहाँ पर काफ़ी आसानी से फिंगर से लॉक या फिर अनलॉक कर पाओगे। सो गाइस, वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।